नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू JKHM। आज है 8 सितंबर 2018 और आज मैं आपके लिए सितंबर माह के पहले सप्ताह का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें तथा इस वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तथा अगर आपने इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें तथा सामने के बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि इस वीडियो का आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी, मुंबई हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल कर दिया गया है। दोस्तों, इसका नाम पहले भी बदला जा चुका है, 1999 में इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया था, लेकिन अब छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है बलेश शर्मा। बलेश शर्मा को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का पहला CEO नियुक्त किया गया है तथा इसके कुमार मंगलम बिड़ला इसके चेयरमैन होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों को किस ग्रह पर पानी होने के सबूत मिले हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है सी, बृहस्पति। नासा के वैज्ञानिकों को बृहस्पति पर पानी होने के सबूत मिले और बृहस्पति ग्रह के ग्रेड रेड स्पॉट का अध्ययन करते हुए इसमें उन्हें यह पानी होने का संकेत मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में चिकित्सा का सर्वोच्च डॉक्टर BC Roy राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर बसंत मिश्रा को प्रतिष्ठित डॉक्टर BC Roy राष्ट्र पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। फ्रेंड्स, डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा PD हिंदुजा अस्पताल में सर्जरी, न्यूरोसर्जन और गामा रेडियो सर्जरी विभाग के प्रमुख है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को हाथी रिजर्व घोषित किया गया है? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है सी, सिंगफन वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि नागालैंड में है। नागालैंड सरकार ने सिंगफन वन्य जीव अभ्यारण्य को हाथी रिजर्व घोषित कर दिया है और जिससे देश का 30वां हाथी रिजर्व बन गया है। सिंगफन हाथी रिजर्व नागालैंड के सोम जिले में स्थित है। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन में बात आई है नागालैंड की, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, यहाँ के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और राज्यपाल है पद्मनाथ बालकृष्ण आचार्य और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है दीमापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कितने देशों की यात्रा पर गए हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है 3। रामनाथ कोविंद अपनी यात्रा के दौरान सबसे पहले साइप्रस की यात्रा करेंगे, फिर बुल्गारिया और अंत में चेक रिपब्लिक का दौरा करेंगे। फ्रेंड्स, अब इस प्रश्न में बात आई है साइप्रस की, बुल्गारिया और चेक रिपब्लिक की, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब बात करते हैं साइप्रस की। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, यहाँ के राष्ट्रपति है निकोस अनास्तासियाडेस, यहाँ की मुद्रा है यूरो और यहाँ की संसद लोकसभा है। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, संसद के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको हर देश की संसद का नाम जरूर याद होना चाहिए। अब बात करते हैं बुल्गारिया। बुल्गारिया के राष्ट्रपति है रुमन रादेव, यहाँ की राजधानी है सोफिया और यहाँ की मुद्रा है लेव और यहाँ की संसद है नारोंदा सुब्रानी, ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आप साथ साथ में लिख सकते हैं, नहीं तो वीडियो के अंदर आप इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं चेक रिपब्लिक की। यहाँ के राष्ट्रपति है मिलो जेमन, यहाँ के प्रधानमंत्री अंद्रेज बाबिश और यहाँ की राजधानी प्राग है और चेक रिपब्लिक की मुद्रा है चेक क्रोना और संसद है डेपुटीज और सीनेट के चैम्बर। तो फ्रेंड्स, रामनाथ कोविंद जी 3 देशों की यात्रा पर हैं। आप इस प्रश्न को आराम से देख सकते हैं, PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संपन्न हुए एशियन गेम्स 2018 के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है इकी रिकाको, जो कि जापान की रहने वाली है।
जापानी तैराकी इको रिको को हाल ही में संपूर्ण एशियाई खेलों के 18वें संस्करण के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है। और 18 वर्ष तैराकी ने टूर्नामेंट में 6 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में बिस्मटेक का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है सी, श्रीलंका बिस्मटेक का नया अध्यक्ष बना है। अब इस क्वेश्चन में बात आई श्रीलंका की, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनापुरा कोटी, यहाँ के राष्ट्रपति हैं मैत्रीपाल सिरिसेना और यहाँ के प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंधे और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया और वेरी इंपॉर्टेंट श्रीलंका की संसद है पार्लियामेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ रक्सोल काठमांडू रेलवे लाइन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है बी, नेपाल। यह समझौता रक्सोल और काठमांडू के बीच ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के आरंभिक इंजीनियरिंग यातायात सर्वेक्षण के लिए किया गया है। अब बात आई नेपाल की, तो नेपाल के राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी और यहाँ के प्रधानमंत्री है खड़ग प्रसाद ओली और यहाँ की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की मुद्रा है रुपया और इम्पोर्टेंट नेपाल की संसद राष्ट्रीय पंचायत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको साथ साथ में लिखना भी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, FDI 2017-18 में भारत में निवेश में कौन सा देश से टॉप पर रहा है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आपको पता है क्योंकि पीछे के तारीख में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, दोबारा रिवीजन हो रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट वीक का है, सितंबर फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है ए, मॉरिशस। मॉरिशस पहले स्थान पर रहा और सिंगापुर दूसरे स्थान पर रहा है, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करके मामले में मॉरिशस पहले स्थान पर है और सिंगापुर दूसरे स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स अब इस प्रश्न में बात आई है मॉरिशस की, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मॉरिशस, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुई, यहाँ के राष्ट्रपति है अमीना गुरीब फकीम और यहाँ के प्रधानमंत्री है प्रविंद जगनाथ और यहाँ की मुद्रा है मॉरिशियाई रुपया। फ्रेंड्स मॉरिशस की संसद है नेशनल असेंबली, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है डॉक्टर आरिफ अलवी को पाकिस्तान का नया राष्ट्रपति चुना गया है। डॉक्टर आरिफ अलवी को 5 सितंबर 2018 को पाकिस्तान का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया और वे देश के 13वें राष्ट्रपति बने हैं। और इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को चुना गया है। चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ उर रहमान अलवी है और यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर कराची है। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान की संसद है नेशनल असेंबली। फ्रेंड्स आपको हर देश की संसद जरूर याद होनी चाहिए, आप अलग से एक रजिस्टर डाल सकते हैं और उसमें सारे देशों की संसद के नाम लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में 6 सितंबर को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 संवाद कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 संवाद नई दिल्ली में हुआ है और भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो तथा अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मेटिस ने नई दिल्ली में मुलाकात की है। अब बात आई अमेरिका की, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन DC और अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकन डॉलर, वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिका की संसद है कांग्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में नगर उट्टारी शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही उत्तर सी, बंशीधर नगर। अब दोस्तों बात आती है कि नगर उट्टारी का नाम बंशीधर नगर क्यों रखा गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बहुत ज़्यादा मंदिर हैं, तो बहुत ज़्यादा मंदिर होने के कारण इसी के आधार पर इसका नाम रख दिया गया है बंसीधर। और दोस्तों यहाँ के रेलवे स्टेशन का भी नाम चेंज कर दिया गया, उसका भी नाम बंसीधर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। अब बात आई है झारखंड की, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। झारखंड की राजधानी है रांची और यहाँ के राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू और ये मुख्यमंत्री है रघुवर दास और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है जमशेदपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद
भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है सी काजिंद। भारत और कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान संयुक्त सेना अभ्यास काजिंद है कजाकिस्तान के उत्तर क्षेत्र में 10 से 23 सितंबर 2018 तक भारतीय और कजाकिस्तान सेना के बीच आयोजित किया जाएगा। तो संयुक्त सेना अभ्यास काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित किया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कजाकिस्तान की। तो कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। यहाँ के प्रधानमंत्री है बेकीतीजान सागिनतायेव और यहाँ के राष्ट्रपति है नर्सलन नजरबायज और यहाँ की मुद्रा है तेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में BSNL का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है मेरीकॉम बी। ओलंपिक पदक विजेता और 5 बार की विश्व चैंपियन MC मेरीकॉम को सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। BSNL ने दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदर राजन ने मेरीकॉम को 2 वर्षों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि मेरीकॉम को BSNL ने कितने वर्षों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 वर्ष के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने विधानसभा भंग करके चुनाव कराने की सिफारिश मंजूर कर ली है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है सी तेलंगाना। तेलंगाना के राज्यपाल ने विधानसभा भंग करके चुनाव कराने की सिफारिश मंजूर कर ली है। अब बात तेलंगाना की, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। यहाँ के राज्यपाल हैं ESL नरसिम्हन और यहाँ की राजधानी हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वें एशियाई खेलों में भारत कौन से स्थान पर रहा तथा कुल कितने मेडल जीते हैं? तो दोस्तों आपको सभी को पता है अभी 18वें एशियाई खेल संपन्न हुए हैं जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा है तथा 69 मेडल 69 मेडल जीते हैं। इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किए गए 18वें एशियाई खेलों के समापन होने तक भारत ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है जिसमें उन्होंने 69 मेडल हासिल किए हैं जिसमें 15 गोल्ड मेडल है 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज मेडल है। दोस्तों अब आपसे पूछा जा सकता है कि आगे का एशियाई खेल कहाँ पे होगा? तो अगला एशियाई खेल का आयोजन 2022 में चीन के हांगजाओ में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस राज्य के 3 नए जिलों के निर्माण हेतु विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश ने 3 नए राज्यों के निर्माण हेतु विधेयक को मंजूरी प्रदान की है। अब बात आई अरुणाचल प्रदेश की, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ की राजधानी है ईटानगर और यहाँ के राज्यपाल है BD मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू। दोस्तों तो यह था हमारे सितंबर माह के पहले सप्ताह का करंट अफेयर। दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं जिससे हम आपके लिए वीडियो लेकर आए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आप इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें तथा सामने के बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि रोज़ आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेस ग्रुप में ज़रूर शेयर करें तथा इसे लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।